Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, children, today we are going to do a revision in maths. आज हम revision करेंगे. We will revise backward counting. ठीक है? आज हम backward counting revise करेंगे. तो मुझे पहले ये बताइए कि backward counting का क्या मतलब होता है? जब हम numbers को उल्टा count करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? Backward counting. और एक और नाम से भी बुलाते हैं हम बैकवर्ड काउंटिंग को, बताइए क्या? रिवर्स काउंटिंग है ना. रिवर्स कहाँ सुना है आपने? पापा जब रिवर्स गियर लगाते हैं तो गाड़ी क्या होती है? उल्टे जाने लगती है ना, उल्टी जाती है ऐसे. तो वो कौन सा गियर होता है? रिवर्स गियर है ना. तो जब नंबर्स को उल्टा काउंट करते हैं उसे हम बैकवर्ड काउंटिंग भी बोलते हैं या फिर रिवर्स काउंटिंग भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि रिवर्स का मतलब भी उल्टा होता है. ओके चिल्ड्रेन, अच्छा अभी आपको नंबर्स को उल्टा काउंट करना आ गया है ना. आप 1 to 10 को उल्टा काउंट कर लेते हो. ठीक है, तो आज हम फिर से रिवाइज करेंगे 1 to 10 उल्टा काउंट करना. ठीक है, सबसे पहले मैम यहाँ पर 1 to 10 लिखेंगे. ठीक है, तो मैम के साथ रिपीट करना. ओके, काउंट विद मैम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, तो अभी हमने 1 to 10 को काउंट किया सीधे है ना. अब क्या करोगे आप? अब हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. ठीक है, यानी अब हम नंबर्स को उल्टा काउंट करेंगे. ओके, अभी 1 to 10 लिखा है, अब हम 10 to 1 काउंट करेंगे. ठीक है, तो मैम के साथ रिपीट करना. सबसे पहले क्या लिखोगे? 10. ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. देखा अभी कितना इजी था ना लिखना बैकवर्ड काउंटिंग. और क्यों? देखो आपने यहां से 1 to 10 लिखा. अब आपको क्या करना है? आप देखोगे सबसे पहले कौन सा नंबर है लास्ट से, हम सबसे आखिरी से काउंट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, तो इसलिए मैम ने यहाँ 10 लिखा. फिर क्या है? 10 से पहले 9, क्योंकि हम उल्टा काउंट कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 9. फिर 8 लिखोगे. ठीक है, क्योंकि 8 है ना 9 से पहले, और 8 से पहले 7, सो 7. फिर 6 है, तो 6 लिखा हमने. फिर 6 से पहले 5 है, सो मैम ने यहाँ पे इसलिए 5 लिखा है. और 5 से पहले 4, तो क्या है यहाँ पर? 4. एंड बिफोर 4 कौन सा नंबर है? 3. बिफोर आपको याद है ना, बिफोर में क्या होता है? मतलब पहले है ना. अभी देखो जब मैम आपसे 5 से पहले कौन सा नंबर पूछ रही है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट नंबर कम्स बिफोर 5, तो आप क्या बोलोगे? 4 है ना. बिफोर का मतलब पहले होता है, सो 5 से पहले है 4. सो यहाँ पे क्या लिखोगे? 5 से पहले, 5 के बाद 4, और 5 के बाद मतलब आफ्टर है ना. बात का क्या मतलब होता है? आफ्टर. अभी आप देख रहे हो कि हम बिफोर और आफ्टर भी साथ साथ पढ़ रहे हैं बैकवर्ड काउंटिंग के साथ, है ना. अच्छा, 5 के 4 के पहले कौन सा नंबर है? 3. और यहाँ पे कौन सा है? 4 के बाद 3, देन 2, 3 से पहले 2, इसलिए यहाँ पे मैम लिखा है 2. और 2 से पहले क्या है? 1. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? आप नंबर्स लिखो लिखते हो ना जब ऐसे, तो फिर यहीं से आप देख सकते हो कि कौन सा नंबर बाद में आएगा. डिड यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? अभी आपको बैकवर्ड काउंटिंग आ गई है ना, तो इसको दोबारा रिवाइज करना है. ठीक है, काउंट करते रहना है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, ऐसे काउंट करना है और लर्न करना है इसको. ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग को. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बैकवर्ड काउंटिंग. ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू.